What is the future plan? Vicky! तो बच्चों, क्या आप सब अपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे? यस टीचर। कब आओ, पहले तुम बताओ। जानते हैं टीचर, मैं सबसे फेमस सब्जी वाला बनना चाहता हूँ, और नंबर दो, मैं सबको हरी सब्जियाँ खिलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कबाओ। साबू, अब तुम बताओ। जी सर, मैं फ्रांस जाकर वहाँ के पकवान बनाना सीखना चाहता हूँ, ताकि मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पर नंबर वन बन जाए। ओह, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल। थैंक यू सर। तो मिट्सुओ, तुमने अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए क्या सोचा है? नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है सर। लेकिन तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे, शर्माओ मत, बिना झिझके बता सकते हो तुम मुझे। नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं तो बताते क्यों नहीं? लेकिन आज भी लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। मैं कितना बड़ा स्टार हूँ, मानते हो कि नहीं? लो, हम पहुँच गए बूबी। अब घर आते ही इस रोतुड़ू का चेहरा देखना पड़ेगा, बेचारा काम के बोझ का मारा, क्यों है ना बूबी? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, समझे? अरे, ये से अचानक क्या हो गया है? आज तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ा। इधर आओ और मेरे साथ क्या हुआ वो देखो। अच्छा, देखिए जरा क्या हुआ। तुम्हारे पास फ्यूचर के कोई प्लान्स नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन कल तक मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में एक ऐसे चाहिए। ओ अच्छा, तो ये हमारा होमवर्क है हाँ? और एक बात बता दूँ, ये ऐसे तुम्हें अपने आप ही लिखना है, और अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समझ गया। लेकिन हम फ्यूचर के बारे में अभी से क्यों सोचे? पहले तो फ्यूचर के बारे में सोचो और बाद में उसके ऊपर ऐसे भी लिखो, कितनी ज्यादती है ना बूबी? क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि मैं फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचूं? और परमैन को अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है ये तो उसे मालूम होना ही चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो बूबी? क्या तुम कॉलेज के बच्चों को बंदरों के बारे में पढ़ाना चाहते हो? ओ बूबी को भी मालूम है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। ठीक है, मैं सुआ मित्सुओ अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने जा रहा हूँ। सर, अब ठीक है ना? ओके, चलो शुरू करते हैं। तुम्हें दिखता नहीं क्या? मुझे लगा जोर से। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करूँ, ये काम ही कुछ ऐसा है। कैसा काम? कैमरामैन, प्रोफेशनल कैमरामैन, आइडिया बुरा नहीं है। वाह वाह मिस सुमिरे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लाइट कहीं और फ्लैश कर रहा है। सॉरी सर। चलो अगला शूट स्टूडियो में करते हैं। जी सर, जैसा आप कहे। अब चलो। बढ़िया, अच्छा जा रहा है, ब्यूटीफुल, वाह वाह क्या बात है। अब अरे इसे भी अभी बजना था, मैं तो भूल ही गया कि मैं परमैन भी हूँ, इसे उठा लेता हूँ। अभी आया, एक मिनट। हम तो थक गए। क्यों बूबी, कैमरामैन बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा ना? क्या अच्छा आइडिया नहीं है? अरे इतनी खराब फोटो किसने खींची? किसने खींची मतलब? मैंने ही खींची है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे लगा ही था वो तुम ही होगे, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सुमिरे, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? ऐसा हो भी सकता है, मुझे तस्वीर खींचने का इतना एक्सपीरियंस भी तो नहीं। हाँ, लाइफ में और भी बहुत सारे काम है कैमरामैन बनने के अलावा। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं पायलट बन जाऊँ? अगर मैं पायलट बना तो आपके सामने आ रही है एक महान हस्ती, इस देश का पहला एस्ट्रोनॉट मिथुन सुआ अब इस रॉकेट के अंदर जा रहा है। आज कुछ कमाल होगा भाई और बहनों। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मिथुन सुआ और परमैन के लिए, तो चलो शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, 0, 5।
तो मेरे लिए ही बना है, क्यों बूबी क्या कहते हो? अब मैंने सोच लिया है, मैं जाकर रोबोट को ऐसे में क्या लिखना है ये बताऊंगा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पाको ने मुझे कार्ड्स खेलने के लिए बुलाया, इसलिए चला आया मैं। परमान, मुझे अभी पता चला कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। सच बताओ तो पहले मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा था, पर अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या बनना है। तो बताओ ना। मैं मित्सुओ सुआ आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं आगे चलकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। हंसने वाली क्या बात है, ये तुम पाको से ही पूछ लो। पर मैन, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? जो कुछ तुम सोच रहे हो वो मुश्किल है। पहले इंजन को स्टार्ट करो। मैं इनमें से कौन सा बटन दबाऊं, कौन सा दबाऊं, कौन सा वाला? जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो आप स्पेस में भटक जाओगे। क्या मुसीबत है। और मुझे नहीं लगता ऐसा दिमाग लगाने वाला काम तुम कर पाओगे। अरे तो फिर मैं कौन सा काम कर सकता हूँ? ऐसा कोई काम जो तुम आराम से कर सकते हो। अगर तुम कोई शिप के कैप्टन बन जाओ तो। कैप्टन? शिप को लेफ्ट घुमाओ। यस सर, अभी घुमाता हूँ। वो क्या है? अरे हाँ, ये काम बुरा नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो इसलिए। रोबोट तुम यही रुको और लोगों को बाहर निकालो, मुझे कहीं दूसरे काम से जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं भी ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम शिप के कैप्टन हो, तुम्हें आखिर तक रहना होगा इस शिप में। तुम नहीं जा सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब से तुम कैप्टन हो। नहीं आगो, फंसा दिया ना मुझे। ये हमेशा ही ऐसा करता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये शिप का कैप्टन बने। ओ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि ये शिप का कैप्टन बने। रो मत। शुक्रिया पग। ये भी कोई बात हुई, तुम तो मेरे किसी भी सपने को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम सब? वैसे एक डॉक्टर का काम भी अच्छा होता है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? एक डॉक्टर? हाँ, एक डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाता है, और ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया काम होगा। हाँ वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है दोस्त, लेकिन मेरे पास डॉक्टर बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम और डॉक्टर? डॉक्टर साबू, इंजेक्शन लेकर आओ। ठीक है। नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। तुम लोग मुझसे जलते हो, इसीलिए ऐसे आइडिया देते हो मुझे। नहीं नहीं, इसमें जलने की क्या बात है। वैसे मुझे अभी याद आया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, बाय। हाँ, मुझे भी ओसाका जल्दी से पहुँचना है। तुमने भी यही कहा था ना कि तुम्हें जाना है। अच्छा सुनो परमान, तुम अपने फ्यूचर के बारे में अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं पूछते? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सलाह मान लूं? क्या आप मेरे ब्राइट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते? तुम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? झगड़ा बंद करो बच्चों, हम हमेशा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्यों? तो आप लोगों ने क्या सोचा है? हम चाहते हैं तुम अपने पापा जैसे अच्छे इंसान बनो। पापा जैसा? लेकिन बेटे, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी बढ़िया इंसान बन के दिखाओ। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? तुम उस जैसा बनो। पर किस जैसा? अगर तुम परमैन जैसा बन जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।